Hello everyone, welcome to eGurukul. In this video lecture we are going to discuss topic ecosystem versus biome. Paristhitik tantra evam biome ke beech mein kya antar hota hai. In the previous video we have already discussed what is the difference between environment and ecosystem. To jaisa maine pehle baat ki thi ki hum kuch topics ko differences ke sath dekhenge jo basically डेफिनेशन से रिलेटेड होते हैं और ये इनमें बात की थी हमने इकोसिस्टम एनवायरनमेंट बायोम की और इसके अलावा और भी टॉपिक आएंगे तो आगे हम बात करेंगे. क्यों देखिए, क्योंकि देखिए जब आप पढ़ोगे इन टॉपिक्स को तो आपको इनकी जब डेफिनेशन लगेगी जो इनकी परिभाषा लगेगी वो सबकी एक जैसी लगेगी, इसलिए आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे. इसके लिए मैंने इनके डिफ्रेंसिस के साथ वीडियो बनाना स्टार्ट किया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. इकोसिस्टम की बात करें तो जैसा हमने पहले भी बात की थी जब इकोसिस्टम पर्टिकुलर इस पे वीडियो बना था, तो इकोसिस्टम इज नथिंग बट इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, यानी ये जीवित और जीवित चीज़ों के बीच में इंट्रैक्शन पारस्परिक संबंध को बताता है और जीवित और निर्जीव चीज़ों के बीच में भी ये पारस्परिक संबंध बताता है. ओके, जबकि बात करें हम बायोम की तो दिस इज ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, तो ये भूमि का भाग होता है. तो जैसा हमने आगे पहले बात की थी, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर देख लीजिए, जो अर्थ पे सबसे बड़ा जीवन के लिए उपयुक्त स्थान होता है उसको बोलते हैं बायोस्फेयर. तो इसमें टोटल एरिया आता है अर्थ का जिसमें एयर लैंड और वाटर आता है, लिथोस्फेयर एटमोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर जिसकी हमने पहले बात कर ली थी व्हाट इज एनवायरनमेंट में. तो ये एक भाग आता है जिसपे जीवन संबंध है. देखिए अर्थ जो है अर्थ उस पे पूरी अर्थ पे जीवन हर जगह संभव नहीं है. ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा हार्श एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे बात करें आप पोलर रीजन पे तो कुछ जगह पे वहाँ पे जीवन संभव नहीं है, वहाँ पे कोई जीवित जीव आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी और जगह हैं. तो इसके अलावा जहाँ पे जीवन संबंध जहाँ पे संभव है जीवन, वो एरिया जिसमें जीवन संभव है टोटल ऑन अर्थ सरफेस पे उसको बोलते हैं बायोस्फीयर. ओके, इसमें एयर लैंड और वाटर का कोई सभी एरिया आ सकता है. अब इस बायोस्फीयर का जो ऐसा एरिया है जिसको हम क्लाइमेट के हिसाब से डिवाइड करते हैं पूरे बायोस्फीयर को, ठीक है, कि भाई यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन पे ज़्यादा गर्मी होती है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, यहाँ पे किस किस प्रकार की स्पीसीज. अब देखिए जो ट्रॉपिकल रीजन है तो ट्रॉपिकल रीजन पे ज़्यादा गर्मी मिलती है आपको, तो यहाँ पे स्पीसीज़ अलग मिलेगी आपको एनिमल और प्लांट्स की. अब पोलर रीजन पे स्पीसीज़ अलग मिलेगी आपको, यहाँ पे आपको ऐसा ऐसे जानवर मिलेंगे जिनके बाल काफ़ी गहरे होते हैं पोलर रीजन पे, क्योंकि वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ पे ऐसे आपको मिलेंगे जो ज़्यादा गर्मी सहन कर सकते हो. ठीक है, तो इस हिसाब से बायोस्फीयर को अलग अलग पार्ट्स में इन अकॉर्डेंस विद क्लाइमेट और टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि इस कंडीशन से अडेप्टिड है, तो इसके हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है बायोस्फीयर को कई सारे एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में. इन ज्योग्राफिकल एरिया को बोला जाता है बायोम. ठीक है, तो बायोस्फीयर से बने बायोम, कई सारे बायोम मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर. अब बायोम में कुछ टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं. ठीक है, अब ये सिस्टम क्या होते हैं, इनमें लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें दोनों शामिल होती है. तो बायोम के वो स्पेसिफिक एरिया जिसमें लिविंग यानी बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक फैक्टर्स मिलते रहते हैं एनवायरनमेंट के, तो उन सिस्टम को बोलते हैं इकोसिस्टम. ओके, तो चलिए अब थोड़ा सा कहानी आपको क्लियर होगी कि जो इकोसिस्टम है दीज आर जस्ट दी इंट्रैक्शन, यहाँ पे कोई ज्योग्राफिकल एरिया की बात नहीं होगी. ठीक है, जबकि ये ज्योग्राफिकल एरिया है तो इसका मतलब हुआ बायोम को आप स्पेसिफाई कर सकते हो एक जगह पे. ठीक है, जबकि यहाँ पे बात होगी किसी इंट्रैक्शन की. जैसे मैं बात कर लूँ, नीचे आगे आप पढ़ोगे टुंड्रा बायोम, ठीक है, डेजर्ट बायोम, तो कहाँ कहाँ मिलेंगे वो आप देख सकते हो, जबकि यहाँ पे आएगा मैरीन इकोसिस्टम, ठीक है, डेजर्ट इकोसिस्टम, तो किसी भी जगह पे ये मैरीन इकोसिस्टम मिल सकता है, जबकि टुंड्रा कोई स्पेसिफिक लोकेशन आपको मिलेगी. ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है. These are system and these are the specific geographical area. Okay.
तो अगर बात इसी पे करें तो ये जो बायोम है हमारे, ज्योग्राफिकल एरिया इनका लार्ज होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब जो बायोम इतना बड़ा है तो वो कई सारे इको सिस्टम को रखता है अपने अंदर, तो उसका एरिया ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। ये क्लाइमेट फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, जबकि बायोम क्लाइमेट फैक्टर के अकॉर्डिंग ही टाइप्स ऑफ बायोम डिवाइड होते हैं। आगे हम बात करेंगे, जो इकोसिस्टम है इट इज़ ए पार्ट ऑफ बायोम, और जो बायोम है वो कई सारे इकोसिस्टम अपने अंदर रखता है। ओके, इसमें अब एरिया छोटा है तो साइज जो स्पीसीज़ है उनका, मतलब उनके नंबर्स ऑफ स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल की कम मिलेंगी, उनकी प्रजातियां कम मिलेंगी, जबकि यहाँ पे लार्ज स्पीसीज, लार्ज इन नंबर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यू कैन फाइंड। ओके, ये लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग इनको वेरिएशन नहीं होता इनका, जबकि इनका होता है। जैसे हम बात करें मैरीन इकोसिस्टम आएगा तो आप हर लैटिट्यूड पे जो मैरीन इकोसिस्टम पाओगे, क्योंकि देखिए जो हमारा सी है, ओशियन है, वो हर लैटिट्यूड पे लगभग मिलते हैं। ओके, एग्जांपल ऑफ बायोम की बात करें तो डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड टुंड्रा, इसके अलावा भी तीन चार और रहते हैं। जबकि इकोसिस्टम की बात करें तो कोरल रीफ, पोन्स, लेक, मैरीन फ्रेश वाटर, ऐसे कई टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। ओके, तो आई होप कुछ आपको यहाँ से क्लियरिटी मिली होगी इकोसिस्टम वर्सेस बायोम में। ऐसे ही टॉपिक हम लाते रहेंगे, सो जुड़े रहिए ई गुरुकुल से। गुड डे, टेक केयर।